स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का। मैं सौरभ नामदेव वेदांत एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा से ही अपने नेम और फेम के लिए जानी जाने वाली वेदांत एकेडमी, जो सिर्फ कंटेंट पर बात करती है, पाठक सर के दिशा निर्देशन में इस बार जो है ऑनलाइन सेगमेंट को भी अब आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे हमेशा से परंपरा रही है वेदांत की कि ऑफलाइन सेगमेंट में बेहतर से बेहतर जो फैसिलिटीज है वो स्टूडेंट को अवेलेबल कराई जाए, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो। इसी श्रृंखला को बरकरार रखते हुए अब डिजिटल और वर्चुअल प्लेटफॉर्म में हम ऑनलाइन के माध्यम से बेहतर चीजें आपको अवेलेबल कराएंगे। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कि बेहतर से बेहतर चीजें हमेशा स्टूडेंट को मिलती रहे, चाहे मोड कोई भी हो, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का जो सेशन है इसके मेन वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद जो था वो ये था कि यूनिट 7 जो हेल्थ से रिलेटेड है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आती है, बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्पेशली इससे पूछे जाते हैं, लेकिन पीसीएस को ध्यान में रखकर आज जिस टॉपिक की हम स्पेशल चर्चा कर रहे हैं वो दरअसल में हेल्थ सेगमेंट से है, यूनिट 7 का टॉपिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं, हेल्थ सेगमेंट में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज होती हैं, हेल्थ सेगमेंट में कौन कौन सी प्रौद्योगिकियां यूज होती हैं, इनके बारे में आज हमको पढ़ना है, इनके बारे में आज हमको समझना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को कि उन टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ना जो हेल्थ सेगमेंट में या हेल्थ सेक्टर में यूज हो रही हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, ये जिस प्रीलिम्स के क्वेश्चनों पर हम चर्चा कर रहे हैं ये एमपीपीएससी मेंस और यूपीएससी में ऑलरेडी 11 और 15 मार्कर में पूछा जा चुका है। तो इनको आप जरूर याद रखिएगा कि जिस भी क्वेश्चन की चर्चा हम करेंगे वो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स या मेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर ही बात करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना आपका टाइम लिए हुए। हेल्थ फील्ड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, नेत्र लेंस चिकित्सा। मतलब आईज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट विजुअल अंग है, आईज की मदद से ही हम चीजों को देखते हैं। रियल मायने में जो काम आईज करती है वो काम आंख का रेटिना करती है। मतलब आंख का काम चीजों को यदि देखना है तो इमेज फॉर्मेशन का जो मेन फंक्शन होता है वो रेटिना का होता है। तो यदि आंख में स्पेशली यदि हम बात करें कि किसी तरह के कुछ ड्रॉबैक आ जाते हैं, अब ये किसी तरह के कुछ ड्रॉबैक का मतलब क्या है, यहीं से हम शुरुआत करते हैं इस सेगमेंट की। तो आंख में यदि कुछ दोष आ जाते हैं या आंख में किसी प्रकार की कुछ शिकायतें आ जाती हैं, तो फिर उन दोष को हम जिस चीज के जरिए निवारित करते हैं उसे कहते हैं नेत्र लेंस प्रणाली। मतलब नेत्र लेंस प्रणाली जो है वो यूज की जाती है जब आप दृष्टि दोष से ग्रसित होते हैं। तो कौन कौन से दृष्टि दोष होते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जो है इसको कहते हैं मायोपिया। मायोपिया में जनरली आपने पढ़ा होगा कि जो पहला सेगमेंट है या पहला जो वर्ड है निकट, पास की चीजें हमको बड़े आसानी से दिखाई देती हैं, दिक्कत होती है दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो यदि कोई पर्सन मायोपिया से अफेक्टेड है या कोई पर्सन को यदि निकट दृष्टि दोष है तो निश्चित रूप में वो अपने चश्मों में अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस यूज करके इस दृष्टि दोष को दूर कर सकता है। इसी तरह से यदि किसी पर्सन में दूर दृष्टि दोष है, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट को वो इजीली देख पा रहा है, दिक्कत है कि पास के ऑब्जेक्ट को देखने में उसको दिक्कत हो रही है, तो बिल्कुल हाइपरमेट्रोपिया के केसेस में जो पर्सन है वो अपने चश्मे में ये लेंस यदि लगाता है, उत्तल लेंस जिसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, तो हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदल सकता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जरा दृष्टि दोष। जरा का मतलब होता है, याद रखिएगा, बुढ़ापा, और जरा दृष्टि दोष को ही कहते हैं प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया जो है ये जरा दृष्टि दोष होता है, बुढ़ापे में देखने को मिलता है। और दरअसल में जो जरा दृष्टि दोष होता है ये
निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का सम्मिलन होता है। मतलब जब ओल्ड एज पेशेंट को या जब बुजुर्ग व्यक्ति को ना तो पास की चीजें दिखें ना तो दूर की चीजें दिखें, इसका कहते हैं जरा दृष्टि दोष। और ऐसी कंडीशंस में व्यक्ति को जो चश्मा यूज करना चाहिए उसके अंदर जो लेंस डालने चाहिए आधा कॉनकेव हो आधा कॉन्वेक्स हो, मतलब आधा अवतल आधा उत्तल। हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो बायफोकल लेंस या द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा आई डिसऑर्डर की प्रॉब्लम आती है उन लोगों को जिनको होता है एस्टिगमेटिज्म। याद रखिएगा, एस्टिगमेटिज्म का मतलब होता है दृष्टि वैषम्य, या दृष्टि वैषम्य से मतलब होता है जब व्यक्ति को धुंधला दिखाई पड़ता है। मतलब व्यक्ति स्पेसिफिक अक्षर या वर्ड को देखने में धुंधलाहट महसूस करता है, तो इस समस्या को हम दृष्टि वैषम्य कंसीडर करते हैं। दृष्टि वैषम्य की समस्या को सॉल्व करने के लिए अपने चश्मों में व्यक्ति को लेंस डलवाना होगा सिलेंड्रिकल, मतलब बेलनाकार। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि इस पहले सेगमेंट में आपने चार क्वेश्चन देखे जो प्रीलिम्स में आते हैं कि कौन सा दृष्टि दोष है, उसका कौन सा ट्रीटमेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनका उपचार हम कैसे कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, और वो नेक्स्ट प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डायलिसिस मेथड। डायलिसिस मेथड दरअसल में वरदान है उन लोगों के लिए जो यूरेमिया रोग से ग्रसित होते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये यूरेमिया क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यूरेमिया का मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति के ब्लड में किडनी काम ना करे, आप ही जाता हूं वर्ड बोलना चाहिए हमें कि किडनी काम ना करे यदि किसी व्यक्ति के बॉडी में, तो उस व्यक्ति के ब्लड में यूरिया की जो कंसंट्रेशन है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती चलेगी। तो जब व्यक्ति के रक्त में यूरिया का नंबर बढ़ता चले, इसे ही कहते हैं बेटा जी यूरेमिया डिसीज। डॉक्टर रिचर्ड ब्राइट्स ने सबसे पहले इसको खोजा था, इसलिए इसे हम ब्राइट्स डिसीज भी कहते हैं। मतलब यूरेमिया का जो नया नाम है वो आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपसे पूछते हैं, ब्राइट्स डिसीज या ब्राइट्स रोग किसे कहते हैं याद रखिएगा। और ब्राइट्स रोग में या यूरेमिया रोग में अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है, तो निश्चित रूप में अफेक्टेड ऑर्गन होती है आपकी किडनी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यदि किडनी अफेक्टेड होती है तो ब्लड में यूरिया की मात्रा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ये यूरिया की बढ़ी हुई मात्रा अंगों के लिए दिक्कत और परेशानी पैदा कर सकती है, क्योंकि अंग तो जो ब्लड है वो सारे ऑर्गन में जाता है न्यूट्रिटिव मीडियम के रूप में ऑक्सीजन को लेकर। तो इसी वजह से एक मेथड हमको करनी पड़ती है जिसको आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, डायलिसिस। डायलिसिस मेथड में ये वो पेशेंट है जिसके ब्लड में यूरिया का कंसंट्रेशन हाई है, करेंगे क्या, एकदम सिंपल, ये जो आप पूरा होल प्रोसीजर देख रहे हो इसको कहते हैं डायलिसिस मेथड। और डायलिसिस मेथड में जो ये एपरेटस आप देख रहे हो इसको कहते हैं डायलेटर उपकरण। तो डायलेटर उपकरण के अंदर कॉपर फेरी साइनाइड की एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, और इस अर्ध पारगम्य झिल्ली जो है इसी के अंदर जब किसी भी पर्सन का, आप खुद देख लीजिए कौन सा ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है ब्लड में यूरिया मिला हो, तो जैसे ही इम्प्योर ब्लड इसमें से होकर गुजरेगा यूरिया जो है क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और सिर्फ ब्लड ही दूसरे साइड से अंदर चला जाएगा। मतलब कहने का है कि जिस तरह से किडनी यूरिया को अवशोषित करने का काम करती है, जिस तरह से किडनी का फंक्शन यूरिया का एब्जॉर्प्शन करना होता है, उसी तरह से डायलिसिस मेथड में डायलेटर उपकरण के अंदर जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है कॉपर फेरी साइनाइड की बनी, वही मेम्ब्रेन दरअसल में यूरिया को एब्जॉर्ब कर लेती है और इस तरह से ब्लड में यूरिया की मात्रा ज्यादा नहीं हो पाती और डायलिसिस मेथड से व्यक्ति की जान बच जाती है। तो आपसे अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि किस रोग से ग्रसित व्यक्तियों के लिए वरदान है डायलिसिस, आंसर है यूरेमिया। इसके बाद जब हम चलते हैं आगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, आपने बार्क सेंटर का नाम सुना होगा,
जी हाँ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 3 जनवरी 1954 को, और 3 जनवरी 1954 को बना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मेन इंस्टीट्यूशनल बॉडी है जो न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट कर रहा है, जो परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ा रहा है। इसी क्रम में यदि हम बात करें तो जो बार्क सेंटर होता है, यहीं पर कोबाल्ट 60 बनाया जाता है, यहीं पर गोल्ड 198 बनाया जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये जो वर्ड आपने लिखे ये क्या है, ये दरअसल में कहलाते हैं, याद रखिएगा जो मैं बात बोल रहा हूँ, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव आइसोटोप की फॉर्मेशन बार्क सेंटर में होती है, और रेडियो एक्टिव आइसोटोप में जो कोबाल्ट 60 है और गोल्ड 198 है, इनसे ही निकलते हैं गामा रेडिएशन। तो यदि किसी एक को मैं समझाने के लिए अभी ले लूं, तो जैसे मैं अभी सिर्फ कोबाल्ट 60 को ले रहा हूं, तो कोबाल्ट 60 से जो गामा रेडिएशन निकलते हैं, यदि उन गामा रेडिएशन से किसी व्यक्ति को ट्यूमर है, किसी व्यक्ति को कैंसर है, तो ट्यूमर या कैंसर सेल को घोलने के लिए यदि हम गामा रेडिएशन का उपयोग करते हैं, तो इसे कहते हैं रेडियोथेरेपी। मतलब रेडियोथेरेपी वो मेथड है जिसमें गामा रेडिएशन की सहायता से हम ट्यूमर को या कैंसर को घोलकर व्यक्ति को निजात दिलाते हैं। लेकिन कोबाल्ट 60 के उन्हीं गामा रेडिएशन से इस बार यदि हम गुर्दे की पथरी, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल, यदि हम घोलते हैं, तो जैसे आपको ये व्हाइट कलर के दिख रहे होंगे इमेज में, यही है दरअसल में कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल, इन्हीं को यदि हम गामा रेडिएशन की हेल्प से घोलें, तो फिर इसी को मेडिकल साइंस में कहते हैं लिथोट्रिप्सी। और लिथोट्रिप्सी से संबंधित क्वेश्चन एमपीपीएससी 2010 में पहले ही पूछ चुकी है। कहने का सीधा सा मतलब है कि कोबाल्ट 60 और गोल्ड 198 के गामा रेडिएशन से यदि कैंसर सेल डिस्ट्रॉय हो, तो इसको हम रेडियोथेरेपी कहते हैं, और यदि गुर्दे की पथरी या जिसको हम कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल कहते हैं, यदि उनको सॉल्युबल करें, उनको यदि हम घोलें, तो इसी को मेडिकल साइंस में हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी। याद रहेगी ये चीज। अच्छा, अब एक सबसे काम की चीज जो मेरे को आपको बतानी थी, बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जब भी किसी व्यक्ति को ट्यूमर होता था या किसी व्यक्ति को यदि कभी कैंसर होता है, तो हमेशा सबसे शुरुआत में जब ये ट्रेंड शुरू हुआ था, तो कोबाल्ट 60 के गामा रेडिएशन यूज करते थे। जैसे जैसे समय गुजरता गया, तो कोबाल्ट 60 के गामा रेडिएशन से बेहतर गामा रेडिएशन मिले हमको गोल्ड 198 के। लेकिन एट अ प्रेजेंट टाइम, एट अ मॉडर्न टाइम, वर्तमान समय में हम कोबाल्ट 60 और गोल्ड 198 के गामा रेडिएशन से भी बेहतर जिनके गामा रेडिएशन है, इसका उपयोग करते हैं रेडियोथेरेपी के रूप में। जी हाँ, एक अक्रिय गैस देख रहे हैं आप, एक इनर्ट गैस देख रहे हैं आप, जो जितने भी गैसियस एलिमेंट होते हैं उनमें सबसे हैवी होती है। मैं बात कर रहा हूं अक्रिय गैस रेडॉन की। तो रेडॉन दरअसल में वो अक्रिय गैस होती है जिसके गामा रेडिएशन बहुत शार्प होते हैं, और जल्दी से कैंसर सेल को घोलकर व्यक्ति को कैंसर से फ्री कर देते हैं। तो ये आपको जो चीज है वो जरूर याद रखनी है। ये आपसे कॉम्पिटिटिव में आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक समय में रेडियोथेरेपी के रूप में, या रेडियोथेरेपी का मतलब बेटा जी गामा रेडिएशन है ना, रेडियो का मतलब यहाँ रेडिएशन से, वो भी गामा रेडिएशन, जिनसे हम दरअसल में कैंसर सेल को घोलते हैं या सोलिबलाइज करते हैं, तो ये रेडियोथेरेपी है। लेकिन यदि मैं बात करूं कि गामा रेडिएशन के जरिए यदि किडनी की पथरी को हम यदि सोलिबलाइज कर दें, तो इसी को कहते हैं मेडिकल साइंस में, या इसी को चिकित्सा विज्ञान में हम लिथोट्रिप्सी का दर्जा देते हैं, जो कि एक सर्जरी की टेक्निक है जनरली, जिसको डॉक्टर अप्लाई करते हैं। आपने हमेशा से बचपन में ये चीजें जरूर पढ़ी होंगी कि हार्ट की क्रियाविधि का पता किस उपकरण से लगाते हैं। तो याद रखिएगा, हार्ट की क्रियाविधि का पता जिस उपकरण से लगाते हैं उसको कहते हैं ईसीजी। अब आप जरा जल्दी से फुल फॉर्म गुनगुनाइए ईसीजी का, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यदि आपने बोला, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी तो वो पैटर्न होता है जो ईसीजी मशीन से आया है।
वो उपकरण जो हार्ट की फंक्शनिंग को डिटरमाइन करता है या हृदय की क्रियाविधि को बताता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एपरेटस। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उपकरण है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी दरअसल में वो टेक्निक है जिसकी मदद से वो ग्राफ खींचे, जिसको हम कहते हैं PQRS वेव। ये PQRS वेव ही दरअसल में ECG में मेन होती है, जिनको देखकर ये डॉक्टर ब्रेडीकार्डिया ट्रेकीकार्डिया को फाइनलाइज करता है और इसी के बेसिस पर बताता है कि हार्ट बीट नॉर्मल है कि बढ़ी हुई है कि कम है। तो ये याद रखिएगा। अब इसी तरह से एक वर्ड आता है EMG। EMG का मतलब होता है इलेक्ट्रोमस्कुलर ग्राम। याद रखिएगा, ये उपकरण है और इलेक्ट्रोमस्कुलर ग्राम उपकरण को यदि आप अपनी मसल्स में लगाते हैं, जैसे हमारे शरीर में कितनी मसल्स होती हैं, 639, लेकिन यदि हम रियल डाटा खंगालें तो 656 होती हैं। याद रखिएगा, ये दो ऑप्शन याद रखिएगा, इनमें से कॉम्पिटेटिव एग्जाम किसी एक को ही सिलेक्ट करेगा। तो हमारे शरीर में मसल्स का जो नंबर होता है 656 होता है। मसल्स का सिर्फ एक ही काम होता है, पहला काम ये जो मैंने किया अभी, जल्दी से बताइए कौन सा काम किया, कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा जो काम किया वो है रिलैक्सेशन। कहने का सीधा सा मतलब है संकुचन और शिथिलन, ये मांसपेशियों का मेन काम होता है। लेकिन कई बार मांसपेशी यदि ये काम करने में थोड़ी धीमे हो रही हैं या थोड़ी तेज हो रही हैं या मांसपेशियां ये फंक्शन नहीं कर पा रही हैं, तो EMG उपकरण से मांसपेशियों की क्रियाविधि को हम पता लगाएंगे। तो आपसे याद रखना, या आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि EMG उपकरण की सहायता से हम क्या करते हैं, तो मांसपेशियां सही तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही इसका पता लगाते हैं। मतलब EMG में जो मेन वर्ड है M का मतलब होता है मस्कुलर, और मस्कुलर का मतलब ही होता है मांसपेशी। तो ये याद रखिएगा थोड़ी सा। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, EOG। यहां O का मतलब होता है, याद रखिएगा, ऑकुलर, और ऑकुलर का मतलब होता है आई। आपकी आंख सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है इसके लिए ईओजी उपकरण है, इलेक्ट्रो ऑकुलर ग्राम उपकरण है। लेकिन आंख में रियल में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे एक होता है कॉर्निया, एक होता है रेटिना, एक होता है लेंस, एक होता है आपका कंजक्टिवा, और एक होती है आयरिस। कौन सी चीज सही से फंक्शनिंग नहीं कर रही है, तो ईओजी उपकरण की सहायता से उस अंग की क्रियाविधि का पता लगाएंगे। तो याद रखिएगा, ईओजी उपकरण की सहायता से रेटिना की फंक्शनिंग को आइडेंटिफाई किया जाता है। रेटिना सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इस चीज को जानते हैं हम ईओजी अपरेटस से। और सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिस वजह से मुझे ये चीज आपको बतानी पड़ी, EEG। कई लोग इसको देखते नहीं हैं कि EEG उपकरण की सहायता से क्या करते हैं, हृदय की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, लगा के चले आते हैं, जबकि बाद में उनको पता चलता है कि हृदय की क्रियाविधि के अध्ययन के लिए ECG था। EEG उसी का बिल्कुल हम शक्ल है, लेकिन फुल फॉर्म थोड़ा सा अलग है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नहीं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। EEG में जो मिडिल ई होता है, याद रखिएगा, ये मिडिल ई, इसका मतलब होता है इनसेफलॉन, और इनसेफलॉन का सीधा सा मतलब है ब्रेन की तरफ इशारा, मतलब मस्तिष्क की तरफ इशारा। तो यदि कोई आपसे पूछे कि मस्तिष्क सही तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं, सभी अंगों को प्रॉपर दिशा निर्देश दे रहा है कि नहीं, किस एपरेटस से इसको आइडेंटिफाई करेंगे, EEG। याद रहेगी ये चीज, एक बार फिर से देख लें, हार्ट की फंक्शनिंग ECG से करते हैं, मसल्स की फंक्शनिंग का पता लगाते हैं EMG से, इलेक्ट्रोमस्कुलर ग्राम, ब्रेन की फंक्शनिंग को आइडेंटिफाई करते हैं EEG, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसी को सबसे ज्यादा फोकस करिएगा। और EOG का मतलब होता है इलेक्ट्रो ऑकुलर ग्राम, मतलब आंख की रेटिना, जहां इमेज बनता है उसको हम पता लगाते हैं कि वो रियल में फंक्शनिंग कर रही है कि नहीं कर रही। तो इस तरह से ये कुछ उपकरण है जिनसे ऑर्गन के फेलुअर को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब आती सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी डॉक्टर सेगमेंट में जब आप गए होंगे तो आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा कि एक्सरे, कई बार एक्सरे के बाद आपने ये वर्ड भी सुना होगा कि CT स्कैन, और कई बार आपने ये वर्ड भी सुना होगा बेटा जी कि MRI। याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड है,
तीनों से जो मेडिकल साइंस के वर्ड है इनसे आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसी को बेसिक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराना, यही दरअसल में हमारा मकसद है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, इस वीडियो के आने का मेन मकसद आपको पूरा टॉपिक पढ़ाना नहीं है, इस वीडियो के आने का मेन मकसद है कि आपको ये बताना कि यदि आपको एजुकेशन में एकदम वही स्टडी चाहिए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, एग्जाम फोकस हो, जो चीजें एग्जाम में आती हैं सिर्फ उन्हीं पर यदि हमको बात करना हो, और हमेशा से कंटेंट पे अप्रोच देने की बात रही है वेदांत एकेडमी की, तो इसी क्रम में इस वीडियो बनाने का मेन एम था कि जो स्टूडेंट कंटेंट तलाश रहे हैं, जो स्टूडेंट रियल मायने में सीरियस होकर अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप में वो इस सेगमेंट का पार्ट बने, ज्यादा से ज्यादा लोग वेदांत एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, और ऐप के बाद में बीच बीच में इस तरह के वैल्यूबल जो वीडियोस हैं आपके लिए वो आते रहेंगे, आप उनके साथ जुड़ते रहें, ज्यादा से ज्यादा नंबर में आप इसको आगे बढ़ाते रहें। लेकिन हमेशा वीडियो आने का जो मेन पर्पस होगा वो यही होगा कि एकदम वही कंटेंट दिया जाए जो रियल हो, जो इथिकल हो, और यही शुरुआत से हमारा मेन एम रहा है। तो इसी क्रम में अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं उसको आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। एक वर्ड होता है सीटी स्कैन, एक वर्ड होता है एक्सरे, एक वर्ड होता है एमआरआई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीटी स्कैन का। तो जो आप ये पहला इमेज देख रहे हैं ये सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि सीटी स्कैन वो मशीन है जिसकी सहायता से टूटी हुई हड्डी का पता डॉक्टर सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखकर खुद ही लगा देता है। तो आपसे अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शरीर में यदि कोई बोन यदि टूटी है, यदि शरीर में किसी बोन में फ्रैक्चर है, तो कौन सी मेथड या कौन सी विधि के जरिए डॉक्टर खुद सामने कंप्यूटर स्क्रीन की मदद से इसको देखकर उसे आइडेंटिफाई करेगा? सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, या इसी को कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऐसे भी बोलते हैं कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी। तो टोमोग्राफी का मतलब होता है कैप्चरिंग द इमेज विद द हेल्प ऑफ एक्सरे, और कंप्यूटेड का मतलब होता है कि कंप्यूटर की सहायता से, जैसे ये यदि पर्सन आपको दिख रहा होगा, इस पर्सन की यहाँ की बोन डैमेज हो गई है, निश्चित रूप में ये आप देख रहे होंगे ये एक्सरे पड़ रही है, एक्सरे जैसे ही पड़ रही है तो इसी यहाँ पर ऊपर एक कैमरा लगा होता है, यही कैमरा इस पूरे एरिया को सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसा दिखा रहा है। तो जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि ये वाले रीजन में थोड़ी सा ड्रॉबैक समझ में आ रहा है, जी हाँ यही हड्डी टूटी हुई है। मतलब टूटी हुई हड्डी का पता लगाने के लिए जनरली हम किसका उपयोग करते हैं? सीटी स्कैन का प्रयोग करते हैं। अब सबसे काम की चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपसे यदि कोई पूछे एमआरआई क्यों करते हैं, सीटी स्कैन से महंगा होता है एमआरआई, और एमआरआई करने का जो मेन एम होता है या मेन पर्पस होता है कि न केवल हड्डी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, बल्कि आपके शरीर में जितने भी अंग हैं, जल्दी से बताइए आपके शरीर में कितने अंग हैं? 80 अंग हैं। जो लास्ट रियल डिस्कवर्ड ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं इंटरस्टीशियम, 80वां लेटेस्ट ऑर्गन जो खोजा गया है ह्यूमन बॉडी में, याद रखिएगा इंटरस्टीशियम है, और इंटरस्टीशियम से एक साल पहले हमारे ह्यूमन बॉडी में जो ऑर्गन खोजा गया था 79वां, उसको मेसेंट्री कहते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, चुंबकीय अनुनाद चित्रण एमआरआई का पूरा नाम है, और एमआरआई की हेल्प से हम 80 के 80 ऑर्गन की दरअसल में क्या देखते हैं, 80 के 80 ऑर्गन की हम फंक्शनिंग, उनका स्ट्रक्चर, उनका साइज एंड शेप को सामने देख सकते हैं। मतलब कहने का है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब एक्सरे मशीन के अंदर पेशेंट को डाला जाता है तो एक्सरे मशीन के अंदर जो ये चीज होती है और ये चीज होते हैं, तो दो बड़े शक्तिशाली चुंबक होते हैं, उन्हीं चुंबकीय क्षेत्र के भीतर में हम पेशेंट को भेजते हैं। ऊपर इधर एक कैमरा होता है जिसमें से वेव निकलती है जिनको हम रेडियो वेव कहते हैं, और फाइनली रेडियो वेव जो है अंदर जाने वाले व्यक्ति के शरीर को स्कैन करते हुए हर एक ऑर्गन का इमेज बनाकर हमको प्रस्तुत कर देती है। तो याद रखिएगा, आपसे कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एमआरआई का उपयोग क्यों किया जाता है, तो एमआरआई का उपयोग मुलायम अंगों के
प्रतिरूपण के लिए, चित्रण के लिए, क्योंकि जो कठोर अंग है, दरअसल में अंग नहीं है, हड्डी ऊतक है, तो कठोर ऊतकों के प्रति चित्रण के लिए नो डाउट हम सीटी स्कैन यूज करते हैं, एक्सरे भी यूज करते हैं, लेकिन यदि मुलायम अंगों का प्रतिरूपण चाहिए तो फिर हम क्या यूज करते हैं, MRI। तो MRI में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, शक्तिशाली चुंबक होंगे और इनके बीच में पेशेंट को भेजा जाएगा और ये तरंगे, ये प्रीलिम्स पे क्वेश्चन आता है याद रखिएगा, रेडियो वेव्स ही दरअसल में इमेज कैप्चर करती हैं और फिर दरअसल में व्यक्ति का चित्रण लिया जाता है। तो इस तरह से आप ये बात हमेशा याद रखेंगे कि जो MRI होती है, MRI में रेडियो वेव जो होती हैं वो व्यक्ति के इमेज को कैप्चर करती हैं और इस तरह से कठोर के साथ साथ में मुलायम अंगों का इमेज भी बड़े आसानी से हम प्राप्त कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन में ज्यादातर चीजें आपको समझ में आई होंगी और हमारा फिर से मैं एक बार बता दूं, मेन एम यही था कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को रियल इथिकल कंटेंट मिले, इसी वजह से इस सेगमेंट को, इस श्रृंखला को शुरू किया गया। मैं हमेशा बीच बीच में आता रहूंगा और आपके लिए इस तरह के वैल्यूएबल जो वीडियोस होंगे वो लाता रहूंगा। वेदांत एकेडमी का ऐप आप सभी स्टूडेंट डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसी पे आगे की क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे और इस तरह के और भी वैल्यूएबल जो वीडियोस हैं, स्पेशली जैसे आपको टेस्ट सीरीज यदि पता करनी है, कंटेंट के बारे में पता करना है, नोट्स के बारे में पता करना है, तो नो डाउट इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको ऐप पर टाइम टू टाइम अवेलेबल होती रहेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट, और जब से ये इंटरव्यू वाला सेशन, तो इंटरव्यू के लिए भी जो रियल टीम है, जो रजिस्टर्ड टीम है अधिकारियों की, जो बीच बीच में आपका रियल में मार्गदर्शन करेगी, जिससे आपका इंटरव्यू सेशन भी बहुत आसान हो जाएगा। तो न केवल प्रीलिम्स से रिलेटेड चीज बल्कि मेंस और इंटरव्यू, मतलब MPPCS के लिए और UPPCS के लिए जो कंप्लीट पैकेजिंग होती है किसी भी इंस्टीट्यूट की ओर से, वो सारी चीजें अवेलेबल है। बेहतर टीचर है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेहतर गाइडेंस है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनसे भी ऊपर, पाठक सर के दिशा निर्देशन में ये टीम बेहतर से बेहतर करेगी और हमेशा स्टूडेंट के लिए सपोर्टिव और स्टूडेंट के लिए फेमिलियर होकर काम करेगी। तो आप लोग भी अब ऑफलाइन की चीजों को ऑनलाइन में इजिली एक्सेस कर पाएंगे, इसलिए निश्चित रूप में इस चीज में आप अपने को भी आगे बढ़ाएं और जितने लोगों तक हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन से बहुत कुछ चीजें आपने नई जानी होंगी, कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी आपको मिली होगी। तो आज के सेशन को हम देते हैं यही विराम। थैंक यू वेरी मच।